उधर आम आदमी पार्टी वालों माघी के पवित्र त्यौहार मौके कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खास तौर के उत्ते पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने तो बाद केजरीवाल पहली बार पंजाब के अंदर किसी सियासी कॉन्फ्रेंस में संबोधन करेंगे, जिस करके आप दी लीडरशिप वालों मीटिंगा का जोड़ तोड़ जारी है। इस तहत संजय सिंह ने सुचा सिंह छोटेपुर वालों तरन तारण विखे पार्टी लीडरशिप के नाल मीटिंग की। इस मौके किस तरह बयानबाजी हुई, आओ जानते हैं। आम आदमी पार्टी वालों मुक्तसर साहिब विखे माघी के पवित्र त्यौहार मौके सियासी कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिथे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुँच रहे हैं। इस बारे मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। तरन तारण पहुंचे पंजाब आप मसलों के इंचार्ज संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब की किसानी दी हकी मंगा लैके पंजाब अंदर प्रदर्शन करेगी। इस बाद संगतों दर्शन देने शौकीन मुख्यमंत्री बादल के घर के बाहर किसानों ले जाके प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के मुद्दे को लेकर खास तौर से जो किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, जो नकली दवाएं कीटनाशक सप्लाई किए गए हैं किसानों को, उसके भ्रष्टाचार को लेके, तोता सिंह के भ्रष्टाचार को लेके, इसको लेके एक व्यापक अभियान चलाएंगे। और मुआवजे के नाम पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुआवजा भी घोषित किया गया है वो दिया नहीं जा रहा है किसानों को, उसको इन सारे मुद्दों को लेके एक अभियान चलाएंगे। और फिर डेढ़ दो महीने के बाद चंडीगढ़ में बादल सरकार का घेराव। पंजाब विधानसभा चुनाव तो पहला जिस मुद्दे नूं पंजाब सरकार ठंडा करन दी कोशिश कर रही है, संजय सिंह ने अपना अगला तीर चिट्टी मक्खी वाला छड्डिया। इसलिए खेतीबाड़ी मंत्री तोता सिंह नूं सीधे रूप च दोषी दस्या। इस बाद संजय सिंह ने अकाली दल की लीडरशिप वालों केंद्र सरकार विरुद्ध की जा रही बयानबाजी से पलटवार करदिया कहा कि जेकर अकाली दल केंद्र सरकार तो दुखी है तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल नूं अस्तीफा दे के पंजाब वापस आ जाना चाहिए। सप्लाई किसने की दवा की? कृषि मंत्रालय की ओर से हुआ। कृषि मंत्रालय कौन है? पंजाब के मंत्री कौन है? तोता सिंह जी, फर्जी कंपनी है। ये सारे लोगों के सामने आ गया। तो अगर नकली दवाएं किसानों के खेत तक पहुंची तो कृषि मंत्री सीधे सीधे जिम्मेदार है, बादल सरकार जिम्मेदार है, और उसके कारण फसल बर्बाद हुए। तो ये जो आत्महत्या हो रही है ये हत्या है एक तरह से, अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो ये तो मजबूर किया जा रहा है किसान को मरने के लिए। उनके आरोप लगाने से क्या होता है? केंद्र सरकार अगर इतनी गड़बड़ है तो हरसिमरत कौर जी को इस्तीफा दे के आ जाना चाहिए। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ते अकाली दल के जरनैल सुखबीर सिंह बादल वालों पंजाब के विकास कार्य पूरे होने का दावा किया जा रहा। इस उत्ते चुटकी लेंद्या संजय सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार तो हर वर्ग दुखी है, पंजाब सरकार अपनी संपत्ति बेच के डंग टपा रही है। आज पंजाब की हालत क्या है? किसान दुखी, नौजवान दुखी, महिला सुरक्षा का संकट, आज किसी भी के किसी निर्दोष आदमी के खिलाफ पर्चे काट के उनको जेल में डालने का काम। और अगर माली हालत देखिए पंजाब की तो 1,25,000 करोड़ का कर्जा, पंजाब की जेलें गिरवी रख दी गई, पंजाब के मानसिक रोगी अस्पताल गिरवी रख दिए गए, पंजाब में विधवाओं के आश्रम गिरवी रख दिए गए। तो बादल सरकार का जाना बिल्कुल तय है 2017 में। और जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक काला इतिहास है पंजाब के अंदर, चाहे वो ब्लू स्टार का हो, चाहे 84 का हो, चाहे सिटी सेंटर घोटाले का हो, चाहे अभी कैप्टन साहब के पत्नी और बेटे का नाम काला धन में आया। तो कांग्रेस और अकाली दल दोनों टेस्टेड पार्टियां हैं पंजाब के अंदर, दोनों डिस्क्रेडिटेड पार्टियां हैं पंजाब के अंदर। संजय सिंह ने अखीर च अकाली दल कांग्रेस वालों पकाई जाने वाली सांझी खिचड़ी वाल इशारा करते हुए कहा कि अकाली दल ते कांग्रेस अंदरों एक ही ने। उन्हें इसकी उदाहरण देंदे एक तीर नाल दो निशाने लगाते हुए पंजाब अंदर नशे का मुद्दा चुकया ते मजीठिया कैप्टन की जारी जग जाहर करने की कोशिश की। संजय सिंह ने अकाली दल कांग्रेस की जारी बारे की कुछ किया, आओ सुनते हैं उन्हां दी जुबानी। ये तो पूरे पंजाब को मालूम है कि विक्रम मजीठिया का नाम नशाखोरी के मामले में आता है तो उसको क्लीन चिट अमरिंदर सिंह देते हैं। अभी जब बादल अमरिंदर को बचाने की कोशिश करते हैं, सिटी सेंटर का मामला 8 साल से क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसमें बादल साहब का संरक्षण है। तो दोनों का मिला जुला खेल है तो पूरा पंजाब जानता है। 2017 में आम आदमी पार्टी दिल्ली का इतिहास पंजाब में दोहराने जा रही है। आप ये देखिएगा यहाँ की जनता, यहाँ दो राजाओं से आम आदमी लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी वालों माघी के मेले उत्ते होने वाली कॉन्फ्रेंस च वड्डा इकट्ठ होने की आस जताई जा रही है।
पर पंजाब दे लोग इस कॉन्फ्रेंस च वहीरा कत के पहुँचते हैं ज नहीं, ये देखने योग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब टीवी।